सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्ता। ना मुझसे यह कार्य नहीं होगा। पवन को दूध बनाओ, मेघ को दूध बनाओ, ऋतु को दूध बनाओ, किंतु इस प्रेम वदा को संकट में न डालो। स्वयं मैं भी तो जाकर नहीं दे सकती, किंतु मैं स्वयं आकर ले तो सकता हूँ। प्रेम के इस तपोवन में महाराज का स्वागत है। केवल स्वागत? हार्दिक स्वागत तो शकुंतले करेगी महाराज। अरे यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ महाराज। अवश्य कहो। आप दोनों का रोग एक ही है और इस रोग का उपचार भी एक ही है, किंतु कहो ना, मौन क्यों हो गई? उपचार तो एक ही है राजन, किंतु ये संभव नहीं है। हमें असंभव को संभव बनाना आता है। इस प्रेम रोग का उपचार विवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है महाराज। शकुंतला, तुमसे विवाह रचाना मेरे लिए बड़ा भाग्य होगा। केवल तुम्हें बताओ, तुम्हें मुझसे विवाह करने से कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार नहीं है। मैं इस ऋषि आश्रम की मर्यादा का प्रतिबिंब हूँ। यहाँ प्रश्न तो सबसे किया जा सकता है, परंतु उत्तर केवल ऋषिवर ही दे सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार तो कन्या के अतिरिक्त किसी को है नहीं। गांधर्व विवाह हम अभी कर सकते हैं। ये सेवा कर रही हो तुम लोग शकुंतले की? नहीं माते, शकुंतले का ज्वर उतर गया है। चिल्लाती क्यों है? क्या मैं बहरी हूँ? कहाँ है वो? वो कुंज में है माता। शकुंतले! माता बुला रही हैं, आप छिप जाइए। एक क्षत्रिय से छिपने के लिए कह रही हो? प्रेम की मर्यादा अलग होती है। मैं माता से मिलकर आती हूँ। ज्वर तो सचमुच उतर गया है। वो तो मंत्र जल का प्रताप है माता। अब कुटीर में चलो पुत्री, ज्वर के उतरते समय आकाश तले नहीं रहना चाहिए। यही कहते कहते मैं थक गई माता, किंतु आपकी ये चहेती किसी की सुनती है? तुम सबों को कहना ही नहीं आता, चल पुत्री। सोच में पड़ी हो, आओ सो जाओ। हाँ
जागो मत, सो जा, आंखें मूंद लो। सो कैसे जाऊं माता, आंखें मूंदूं कैसे? मेरी आंखें तो वहीं उसी कुंज में रह गई हैं। शकुंतला, मैं प्रेमी भी हूं और राजा भी। क्या तुम ये चाहोगी कि इतिहास मुझ पर और तुम पर और हमारे प्रेम पर यह आरोप लगाए कि दुष्यंत ने अपने प्रेम के कारण अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया? परंतु मैं विरह का घाव खाकर जीवित नहीं रह सकूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। ये वीरा का घाव खाकर मैं भी जीवित नहीं रह सकता। बहुत ही थोड़ी दिनों की बात है, ये किस लिए? एक दिन में इस मुद्रिका पर खुदे हुए मेरे नाम का केवल एक अक्षर पढ़ो। जिस दिन तुम मेरा पूरा नाम पढ़ लोगी, वह वेरा का अंतिम दिन होगा। हाँ, मैं 3 दिन में हस्तिन पहुंचूंगा और फिर 3 दिन में लौटूंगा। Thank you.
मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं अवश्य लौटूंगा, चिंता मत करो शकुंतले। अवश्य है सखी, तुम क्या छिपा रही हो? कहीं हस्तिन नरेश ने अपनी राज्य की सीमा तुम्हारे शरीर तक तो नहीं पहुंचा दी? ऐसा ना कहो प्रियंवदा। ऐसा क्यों ना कहूं? यदि ऐसा ना कहूं तो बताओ फिर क्या कहूं? वे मेरे पति हैं। क्या? उन्होंने मुझसे गंधर्व विवाह किया है और जाते जाते वे मुझे अपनी ये राजमुद्रिका दे गए हैं। ये प्रीतम का विरह नहीं, ये पति का विरह है। ये पीड़ा तुम समझ नहीं सकती क्योंकि अभी तुम कुमारी का हो। शकुंतले, शकुंतले, तुझे क्या हो गया है पुत्री? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कन्या, 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 मैं ऋषि दुर्वास हूं, तू किस ध्यान में है? क्या तेरा ध्यान अतिथि सत्कार से अधिक महत्वपूर्ण है? कन्या, कन्नु आश्रम में अतिथि ऋषियों का सत्कार ऐसे ही किया जाता है? मेरा ये अपमान, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जिसके ध्यान में अतिथि की मर्यादा भूल गई, स्वयं वो तुझे भूल जाएगा।